हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ अंडे की एक यूनिक रेसिपी बना के दिखाने। अंडे के जैसे हमने ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन ऑमलेट से थोड़ा सा हटके है। इसमें मैंने वेजिटेबल मिक्स करेंगे। इसको आपको शाम के स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो, ऐसे नाश्ते में भी आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। वेजिटेबल ऑमलेट के लिए लिए 6 अंडे और 1 चीज के स्लाइस। आपने इसकी जगह में बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार देना। और लिया मैंने ऑयल, ऑयल इसमें से मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और कुछ वेजिटेबल्स है, इसमें गाजर हल्की सी बारीक कटिंग करके रखी हूँ, 4-5 हरी मिर्च जिसको कटिंग करके रखी हूँ, 8-10 लहसुन के कलियां जिसको बारीक चॉप करके रखी हूँ, कुछ हरे धनिया जिसको कटिंग करके रखी हूँ, 1 शिमला मिर्च जिसको कटिंग करके रखी हूँ, 1 ऑनियन जिसको बारीक कटिंग करके रखी हूँ। इसमें आप अपना मनपसंद से वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। अब मैं सारे वेजिटेबल्स को एक बाउल में डालेंगे। सबसे पहले मैं ऑनियन को डाल दिए, हरी धनिया, कैप्सिकम, गाजर, बारीक कटी हुई मिर्ची और लहसुन की कलियां। अब इसमें मैंने सारे अंडे को इस तरह तोड़ लेंगे। काली मिर्च डाल देंगे, थोड़े से लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च अब आपने जिस हिसाब से तीखा खाते हो उस हिसाब से डालना। और डाल देंगे नमक। सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं जा रही हूँ इसको तैयार करने। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी है और खूब कम समय में बन जाती है। तवा में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो मिक्स करके रखे थे एक और वेजिटेबल, उसको आराम से इस तरीके से डाल देंगे। आपको क्या करना है, इसको शीम आंच पे पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च इस तरीके से डाल देंगे। अब इसको शीम आंच पे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हो कितना अच्छा बनके तैयार हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसको सर्व करने। बेस ऑमलेट बनके तैयार हो गया। अब इसको मैंने कटर की साहायता में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे 4 पीसेस में। वेज ऑमलेट बन के तैयार हो गया। अब इसको मैंने माया किचन के स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस करने जा रही हूँ। चीज के पीसेस रख के उसको मैंने सैंडविच की तरह इसके ऊपर रख देंगे। अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसी तरह मैं दूसरे तरफ भी इस तरीके से रख के सैंडविच की तरह इसको रख देंगे। माया किचन के स्टाइल में वेज ऑमलेट बनके तैयार है। मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना के दिखाई, बहुत आसान तरीके से। इस रेसिपी को आप वेज ऑमलेट सैंडविच भी बना सकते हो और शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। इसको चटनी के साथ आप खाना बहुत ही टेस्टी लगते है। रेसिपी को आपको पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।